अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि मैं केटरिंग स्टाइल चिकन रशियन कबाब आपको बताओ, जो रमज़ान में बहुत बहुत ज़्यादा बनता है और नॉर्मल डेज में भी लोगों को बहुत पसंद आता है। तो आइए देखते हैं इसकी मेकिंग। उससे पहले ज़ैनब कुक हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके, सो ये वाला जो चिकन है, आप चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं या फिर बोन वाले चिकन्स भी ले सकते हैं। अगर बोन वाले लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज़ उसमें उसका स्टॉक निकलता है। ठीक है, बोन से क्या होता है कि पूरा उसका जो अर्क होता है वो पानी में जाता है और वो पानी हमें बाद में यूज़ करना है उसका एक ग्रेवी बनाने के लिए। आलू लिया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 किलो का चिकन लिया है तो उसमें हाफ क्वांटिटी से भी थोड़ा कम आलू जाएगा, बट वो डिपेंड करता है। आप या तो 1/2 किलो आलू ले लो या फिर 300 से 350 ग्राम आलू ले लो। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, ग्रीन चिली का पेस्ट, ठीक है, और थोड़ा सा नमक। अब ये सब मिक्स करके आपको इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है जब तक कि आलू और चिकन पूरी तरीके से गल ना जाए। अब वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स में कैप्सिकम है, कैरेट्स है, शिमला मिर्ची, गाजर, ये सब वेजिटेबल्स है, गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी यूज़ करना है, वो और दूसरा वाला गोभी यूज़ मत करना इसके अंदर, ओनली पत्ता गोभी। मैं आपको इसलिए इस तरीके से बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को रशियन कबाब में कौन से वेजिटेबल्स जाते हैं वो पता नहीं होता है। ओके, सो फ्रेंच बीन्स भी गया है इसके अंदर, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स जाते हैं, उसको फाइनली चॉप करना है आपको, बहुत बारीकी से कट करना है ताकि आपके मुंह में कबाब खाते वक्त वो ऐसे क्रंचीनेस आपको फील ना हो। अब ले लेना है ऑयल, तो मिक्स गरम मसाला नहीं डालना है, सिर्फ ज़ीरा डालना है, ठीक है, तड़के में सिर्फ ज़ीरा डालना है। उसके बाद लहसुन का पेस्ट डाल के इसमें फ्राई करना है आपको, पहले लहसुन को फ्राई करना है, साथ में नहीं डालना है, अलग अलग फ्राई करना है। उसके बाद गया आपका अदरक का पेस्ट, लहसुन, अदरक, ज़ीरा, फिर मिक्स सब्जी। तो सब्जी को मैंने आपको बताया है बहुत बारीक काटना है, इससे क्या होता है कि वो जल्दी पक भी जाता है और बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, गोभी वगैरह है ना, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कैप्सिकम में आप तरी तरीके का कैप्सिकम ले सकते हैं, लाइक ग्रीन, रेड, वॉट एवर यू लाइक। ओके, सो नाउ इसमें गया है मैदा। अब मैदा को जो भूनने का टाइम है वो ऑलमोस्ट 40 to 45 minutes लगता है। ये मैदा अराउंड 1/2 किलो रहेगा, उससे ज़्यादा ही था ये, ठीक है, बहुत भूनना है आपको। यहाँ पे तब तक आपका चिकन और आलू बॉईल हो गया रहेगा, तो चिकन में से आपको बोन अलग कर लेना है और उसका बोनलेस अलग कर लेना है, रेशे जो होते हैं ना वही है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर साइंस नहीं है, बैठ के आप अलग अलग करते रहो, ठीक है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है ये, बट बहुत ही मज़ेदार लगता है। उसके बाद आपने मैदे के मिक्सचर में डाल देना है ग्रीन चिली का पेस्ट। अभी किसी के पास ग्रीन चिली नहीं है तो चिली फ्लेक्स डाल दो। अब मैंने बताया था चिकन स्टॉक का यूज़ होने वाला है आगे, तो बस यही है स्टॉक, अब आपको इसे वापस पका लेना है। चिकन में बनने में टाइम नहीं लगेगा, आपकी सब्जियां बनने में टाइम नहीं लगेगा, बट सिर्फ ये जो मैदे का मिक्सचर है ना, इसे बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद गया गरम मसाला पाउडर, तो जो होममेड गरम मसाला होता है, मिक्स गरम मसाला, वही यूज़ करना है। मैं तो हमेशा से बोलते आई हूँ आपको कि रेडीमेड यूज़ मत किया करो, भले ही थोड़ा से थोड़ा बना लिया करो। अब गया कसूरी मेथी, ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स, ठीक है, थोड़ा डालना है, 1 किलो में 1/2 टीस्पून ही डालना, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। और इसमें गया है अजीनामोटो, तो अजीनामोटो यूज़ मत करो घर पे, यूज़ सॉल्ट, ओके। सो बस अभी आपको इसे मिला लेना है। अब गया दूध, तो 1 किलो में आपको डालना है 2 to 3 tablespoons दूध, ठीक है, 1 किलो में 2 to 3 tablespoons हाँ वो दूध डाल के इसे मिक्स कर लेना है। और गया धनिया पत्ती, बहुत सारे लोग पुदीना डालते हैं, पुदीने से कबाब का जो फ्लेवर है वो बहुत अलग हो जाता है, बहुत मिंटी टाइप का फ्लेवर आता है, वो बहुत ख़राब लगता है। अब गया चिकन और आपके आलू, ठीक है, तो 1 किलो अगर आप बना रहे हो ना तो उसमें ऑलमोस्ट 100 पीस बन सकते हैं आराम से, हाँ 100 पीस आराम से बन जाते हैं, क्योंकि मैदा है, आलू है, चिकन है, सब्जियां है, तो बहुत सारा बनता है। तो थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बनाओगे रशियन कबाब तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ओके, सो ये आपको मिक्स कर लेना है।
बहुत अच्छे से और उसको ठंडा कर लेना है। अब सेवई जो है वो देखो आप पैकेट दिख रहा है ना, वो हम घर पे भी यूज़ करते हैं ईद वगैरह में, तो नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप में मिल जाता है, तो अभी रमज़ान है तो आपको जगह जगह पे ये दिखेगा। बारीक उसको हाथ से क्रश करना, मिक्सर में क्रश मत करना, हाथ से करोगे फटाक से हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। अब अंडे, कोटिंग के लिए अंडा है, बट अगर जिसको अंडा पसंद नहीं आता है तो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर आप बना सकते हैं, कॉर्नफ्लावर का स्लरी, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा पानी, उसको डिप कर दो कबाब को उसके अंदर और कोट कर दो सेवई के अंदर, बट अंडा यूज़ करो, अभी चिकन खा रहे हो तो अंडा भी खा ही लोगे, तो बस ये आपको कोट कर लेना है और उसको फ्लैट पैटीज बना लेना है। बहुत ही मज़ेदार था ये, मैंने खाया था और अच्छा लगा था मुझे। वैसे मुझे रशियन कबाब की मैं इतनी फ़ैन नहीं हूँ, बट या इट वॉज नाइस। ऑयल में फ्राई करो और इसको अभी फ्राई करने का कैसा है कि आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, 4 मिनट्स वन साइड, 4 मिनट्स अनदर साइड, हो गया आपका रशियन कबाब रेडी। तो गाइस अगर आपको पसंद आया है मेकिंग तो ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब ज़रूर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर करना चाहते हो तो, फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।